हेलो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा के स्टारियंस, हमारे जो चैप्टर चल रहा था स्टार्ट हम करेंगे। चैप्टर पहले जो था वो चैप्टर 8 था, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। उसमें हमने एक्सरसाइज आपको 8.3 तक कराया है, एक्सरसाइज 8.4 आपको हमने नहीं कराया, बिकॉज कोविड-19 की वजह से अब जो सिलेबस थोड़ा कम हुआ है इस साल के लिए, तो उसमें एक्सरसाइज 8.4 का कोई जिक्र नहीं है। तो अब जो स्टार्ट हम करेंगे चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, ऊंचाई और दूरी आपकी बुक में लिखा होगा, ट्रिगोनोमेट्री का अनुप्रयोग यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उनके द्वारा हमें क्या करना है, ऊंचाई दूरी हमें इसका सबसे पहले बेसिक जो है इसकी बेसिक समझना है, फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखो बेसिक इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें क्वेश्चन ये आएंगे कि अगर कोई एक त्रिभुज है भाई, कोई त्रिभुज है ए बी सी और जिसका बी समकोण है, जब बी समकोण होता है हम पढ़कर आए थे छठी सातवीं आठवीं क्लास में, हमने पढ़ा ये क्या होता है आधार, ये क्या होता है लंब, और ये होता है हमारा कर्ण। यानी हमने आधार का इसे ए से प्रदर्शित करा, लंब को हमने एल से प्रदर्शित करा, कर्ण को हमने क्या कहा के कहा, समकोण त्रिभुज। आप चैप्टर 8 में आप पढ़कर आए हैं एल ए एल बटे के के ए, एल ए एल के के क्या था, यहाँ पर था साइन, यहाँ पर था कोस, यहाँ पर था टेन, यहाँ पर था सेक, यहाँ पर था कोसेक और यहाँ ये कोण, यहाँ पर सेक और यहाँ पर कोसेक, ये था। अब हमें इसमें जो यूज होगा ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में, इसमें एक तो आपको साइन का यूज करेंगे हम, साइन का यूज देखो एल बटे के यानी कि साइन थीटा, यहाँ पर अगर थीटा है तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब ये रहा कर्ण ये रहा। अगर टेन की हम बात करें, इसमें टेन का यूज करेंगे हम, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब ये रहा आधार ये रहा, हमें इन दोनों का यूज करना है। और मोस्टली ज्यादातर मोस्टली जो हमें यार यूज करना है साइन और टेन में, साइन और टेन में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इनके मानों का हमें यूज करना है। जैसे साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। इसी टाइप से अगर हम टेन में ले, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक, आसान है, आप इन्हें याद कर सकते हो, या तो बिल्कुल शॉर्ट ही हो गया। टेबल तो हमने आपको चैप्टर 8 में यूज कराई थी, लेकिन इसमें 9 चैप्टर में एक तक इनका यूज होगा, लल बटे कत्ता में साइन और टेन का यूज होगा बस, और पूरा चैप्टर फिर इन्हीं पर है और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। भाई साइन होता है लंब बटे कर्ण, आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, टेन होता है लंब बटे आधार, आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, और साइन है उसमें साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान 3/√3। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन इसमें आएंगे कि हमने कहा कि एक टावर है, एक क्या है, एक टावर है। अब हमारी क्लास का, हमने अपनी क्लास का एक बच्चा लिया, यहाँ पर एक इब्राहिम नाम का एक लड़का है, वो यहाँ स्टार अल्फा इंटर कॉलेज में, वो यहाँ पर है। अभी मार्केट में क्या लग रहा है, टावर लग रहा है। उसने कहा कि सर टावर की जो ऊंचाई है वो 150 मीटर है, कितनी है 150 मीटर है, और जब मैं उसके टावर की उसकी ऊंचाई को यहाँ से देखता हूँ, भाई मैंने यहाँ से यहाँ तक देखा, तो सर मेरी आंखों पे 30 डिग्री का कोण बनता है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना चाहता हूँ कि यहाँ से सलाह से टावर तक की दूरी कितनी है। तब आपके पास ये यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पर ये लगता है सी, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें एक्स निकालनी है। अब आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे अभी त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, किस बात भाई टावर है, मैं टावर मान रखते हैं, तो मैथ में तो हम मान रख सकते हैं कि ये टावर है, यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी मान, इसने कहा कि मेरा यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, मैंने कहा आपको ये याद रखना है, थीटा टेन 30 डिग्री, थीटा कितना दिया है इसने 30 डिग्री कहा, लंब कितना है 150 मीटर, आधार हमें एक्स का मान निकालना है,
30 का मान होता है बच्चों, अभी बताया 1/√3 ये बता रहे हैं आप मान बराबर कितना 150/x क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसकी करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 150√3 मीटर। कहोगे के साथ 150√3 मीटर उसकी दूरी है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है भाई यहां से ये यहां पर ये लड़का है कोई मनीष लड़का है ठीक, और इसने कहा कि सर जब मैं यहां से टावर की साइड यहां पर देखता था इसके साथ लड़के के साथ यहां पर जब रहने लिया हमने कहा कि इसके साथ में यहां पर जब ये टावर को देखता था तो 30 डिग्री का कोण बनता था, बात सही है। लेकिन एक यहां पर एक झंडा लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है यहां पर झंडा लगा हुआ है, सर मैंने यहां से यहां तक देखा तो मेरा जो कोण बना वो 45 डिग्री का बना, कितने का बना 45 डिग्री का। यदि यहां से यहां तक इसकी दूरी 150 मीटर हो, कितनी थी यहां से 150 मीटर थी, तो सर मैं यहां इसकी झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता हूं, तब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, अभी हमने यहां पर ये करा, ये कितनी आ गई थी 150√3। क्वेश्चन बहुत सारे जब होंगे उसमें हम रिवाइज आपको करते चलेंगे, बताते चलेंगे, फिर इस वाले त्रिभुज में जब हम लगाएंगे इस वाले त्रिभुज में, यहां तो था ये ए बी सी, ए बी सी में जब हमने यूज करा तो 150√3 मीटर की दूरी आई, हमें झंडे की ऊंचाई निकालनी थी, किसकी झंडे की ऊंचाई हमने एच मान ली, तो हम क्या करेंगे अब यहां पर लगा दो, यहां पर डी हमने माना, तो हम कहेंगे त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो इसमें क्या हो जाएगा थीटा की जगह पर tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है h, ये 150 ये यानी कि h प्लस 150 और बटे में यहां ये कितना आया 150√3। tan 45 का मान वहां पर आप अगर देखोगे tan 45 का मान 1 है, h प्लस 150/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां एक आ जाएगा, तो h प्लस 150 आ जाएगा 150√3, प्लस वाले तो माइनस लेके जाएंगे तो कितना आएगा 150√3 माइनस के 150, तो झंडे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे, इसमें एक चीज हो जाएगी बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम नीचे से ऊपर की साइड देखते हैं कहां से, हमने कहा कि हम यहां से ऊपर की साइड देखते हैं इसे कहते हैं हम जब ऊपर की साइड देख रहे हैं ओनियन को, इसे क्या कहेंगे हम ओनियन को। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि एक बच्चा यहाँ जो झंडा बाग बांधने गया था उसने कहा कि मैं यहाँ से नीचे देख रहा हूँ तो वो 60 डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, जब हम ऊपर से नीचे की साइड देखते हैं तो ये जो कोण बनता है यहाँ से ये कोण बन रहा था ओनियन को, यहाँ ये जो कोण बनता है इसे कहते हैं हम आवर्धन को। अब आपको एक छोटी सी बात ये ध्यान रखनी है, जब नीचे से ऊपर की साइड देख रहे ओनियन को, ऊपर से नीचे की साइड देख रहे तो अवनमन कोण, आपको हम आपसे एक बात ये बता रहे हैं कि ओनियन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है, अवनमन कोण के बराबर होता है, क्या होता है ओनियन कोण बराबर होता है अवनमन कोण, बस आप ये ध्यान रखो, लल बटे का को ध्यान रखो, ये रखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन 100% आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन हर साल आता है इस बार भी आएगा ही आएगा, तो आपको इसके इतना हार्ड भी नहीं, बहुत आसान है, छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे इसमें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, आपको करने में बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चन को करने में। लेकिन उम्मीद है कि आप वीडियो को देखें और कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो मुझसे मालूम करें, व्हाट्सएप नंबर से बात करो या फिर क्वेरी का आपके पास ऑप्शन है उससे वहां पर लिख के सेंड करो, लेकिन ये बेसिक के बात है इन्हें करो, इसके बाद क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में